मतलब इन शॉर्ट मैं इसको नाम देता हूँ इंटीग्रेशन वन अपॉन ए प्लस बी साइन टू एक्स डी एक्स. काफी सारे टाइप्स है तो ये सबसे इजी है. वन अपॉन ए प्लस बी साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स की जगह पर कॉस टू एक्स हो सकता है. सो इसका अल्टरनेटिव है वन अपॉन ए प्लस बी कॉस टू एक्स, या फिर साइन टू एक्स भी होगा कॉस टू एक्स भी होगा. तो सेकेंड वेरिएशन इज वन अपॉन ए साइन टू एक्स प्लस बी कॉस टू एक्स. नेक्स्ट वेरिएबल है कि और एक सी भी हो सकता है कॉन्स्टेंट. सो नेक्स्ट वेरिएशन इसका है वन अपॉन ए साइन टू एक्स प्लस बी कॉस टू एक्स प्लस सी. बराबर है. इसी का और एक वेरिएशन है, इंस्टेड ऑफ साइन टू एक्स वी ओनली हैव वन अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स. ठीक है. इसका नेक्स्ट वेरिएशन होगा वन अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, और वन अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, या फिर वन अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी. ऑलमोस्ट सेम टाइप है. ठीक है. बोथ कैन बी सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. सिर्फ इसके लिए सब्स्टिट्यूशन अलग है और इसके लिए सब्स्टिट्यूशन अलग है. राइट ऑन सब्स्टिट्यूट. ये सब के लिए पहले देखते हैं. राइट ऑन सब्स्टिट्यूट टैन एक्स इक्वल टू टी. सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू टी. यहाँ पर tan x इक्वल टू टी. व्हेनेवर वी डू सब्स्टिट्यूशन इसके बाद क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव. tan x का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव dt by dx. therefore dt इक्वल टू sorry dx इक्वल टू dt upon sec square x. what is sec square x? tan के टर्म्स में sec square x 1 plus tan square x. so sec square x can be written as 1 plus tan square x. and what is tan square x? tan x equal to t. so 1 plus therefore dx. dx की जगह पर क्या लिखेंगे? dx equal to dt upon 1 plus t square. ये राइट है. बराबर. फिर sin 2x है. what is formula of sin 2x? sin 2x in terms of tan. टू tan theta upon 1 plus tan square theta. और हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया है? tan x equal to t. so 2t upon 1 plus t square. तो जहां पे भी sin 2x दिखेगा वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? sin 2x equal to 2t upon 1 plus t square. cos 2x. cos 2x का फॉर्मूला क्या है? वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा. सो वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर. तो जहां पे भी कॉस टू एक्स दिखेगा वहां पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन. बराबर है. तो सम सॉल्व करते समय इतना सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जब भी ये टाइप का सम आएगा हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे लेट टैन एक्स इक्वल टू टी. therefore dx equal to dt upon 1 plus t square. sin 2x equal to 2t upon 1 plus t square. cos 2x equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. steps clear hai. similarly jab ye hoga sin 2x tha tab hum logo ne kya substitute kiya? tan x equal to t. jab sin x hai tab kya substitute karenge? tan x by 2. so let tan x by 2 equal to t. substitution dekh lo fir se abhi. tan x equal to t. डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अभी. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x by 2? sec square x by 2 into half into डेरिवेटिव ऑफ x by 2. t का डेरिवेटिव dt by dx. therefore dx equal to dt 2 upon so 2 dt upon sec square x by 2. sec square x by 2 can be written as 1 plus tan square x by 2. sec square theta is 1 plus tan square theta. what is tan x by 2? t. so ye bhi hoga 2 dt upon 1 plus t square. to yahan par dx ki jagah par hum log kya likhenge? 2 dt upon 1 plus t square. almost same hai. dx hai dt upon 1 plus t square. dx hai 2 dt upon 1 plus t square. matlab jab 2x hoga tab sirf dt upon 1 plus t square, aur sirf sin x hoga tab 2 dt upon 1 plus t square. अब ये भी sin find करना है. sin x और cos x. अगेन sin x का फॉर्मूला. sin 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. तो sin x का होगा 2 tan x by 2
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और tan x by 2 क्या है t सो 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर तो सेम है फार्मूला cos x का फार्मूला क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन tan स्क्वायर x by 2 और tan x by 2 क्या है t so 1 minus t square upon 1 plus t square so this will be 1 minus t square upon 1 plus t square so sab kuch same hai sirf variation kaha par hai dx so ab ye hoga dx equal to dt upon 1 plus t square ya pe dx equal to 2 dt upon 1 plus t square directly ye likh lo paro same type hai तो जब भी ये टाइप है यार क्या सब्स्टिट्यूट करें sin x है जब sin x होगा तो सब्स्टिट्यूशन पहले sin 2x वाले सपोज ये sin 2x है जब sin 2x होगा तो सब्स्टिट्यूशन लेट tan x इक्वल टू t और सारा एज इट इज लिखना है देयरफॉर dx इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर यहां पर sin 2x है तो सिर्फ sin 2x रिक्वायर्ड है देयरफॉर sin 2x इक्वल टू 2t अपॉन therefore right cos 2x likhne ki zarurat nahi hai because here it is not required sab kuch substitute kar do ye kya hoga I equal to integration 1 upon 4 plus 5 2t upon 1 plus t square dx ki jagah par dt upon 1 plus t square barabar ye bracket hai ye right hai equal to integration 1 upon ye calculation hoga lcm बराबर सो दिस विल बी 4 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 10t बराबर ना 5 टू द 10 और डिवाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर इनटू ये ब्रैकेट यहां पर dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर ये स्टैंडर्ड स्टेप्स है ऑलवेज ये 1 प्लस t स्क्वायर और ये 1 प्लस t स्क्वायर कैंसिल बराबर तो क्या बचेगा यहां पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 10t dt इसको अगर अरेंज करें तो ये होगा 1 अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4 ये कौन सा टाइप है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक सॉल्व करके वो 7 फॉर्मूलेस जो भी आंसर आएगा किसके टर्म्स में आएगा t के टर्म्स में और लास्ट स्टेप में t की जगह पर अगेन सब्स्टिट्यूट tan x और सम करो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे लेट tan x by 2t equal to t dx sin x cos x क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है फाइनली सिंपलीफाई करके 2dt upon 2dt upon 3t square plus 8t plus 3 बराबर फिर टेक 3 कॉमन और अपना सेम और अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म जिसका हुआ है ट्राई नेक्स्ट